कारखाने नाल छे छे फुट दे कहंदियां कहांदियां दे दिल लुट दे जेड़े तेरी पैक ते कमेंट मार दे जे यार काने पक्के तेरे यार दे ओ जट कोले रख दे रकाने ट्यूशना जट कोले रख दे रकाने ट्यूशना जिंदगी दे सिख दे असूल गोरिए हां रोक लो ये वाइजाज ने किस तबूज के भीतर जाओ पूजनी किस है अपना स्कूल है कुछ भी करें अच्छा अपना तो इसी तरह आगे वैदनु खुद चुनाई करके गया हो बेटा घड़ी में बज रहे हैं 9 और स्कूल का गेट बंद हुआ है 8 बजे। इब एक काम करो इला डागा मुंह फेर लो और लांडा ला लो कल आइयो टाइम से। अरे यार ताऊ तेरे रोज रोज के यही ड्रामे हैं तो सीधे सीधे क्यों ना कहता ना बीडी के बंडल चाहिए सुबह सुबह आ जावे फॉर्मेलिटी करने ला पकड़ चलो भाई हम तेरा लीता कॉफी ते भी डाउट करिए मित्रा दा घर भी कबूल गोरिए तेरा लीता कॉफी ते भी डाउट करिए। अरे सुनो आगे तो बीड़ी में काम नहीं चल लगा मना गोल्ड फ्लैक्स का डिब्बा चाहिए। भाई तुझे नहीं लगता हम स्कूल के लिए बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं और इससे हमारी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है? भाई पढ़ेगा तो सही पर तेने पढ़ के कौन सा कलेक्टर बन जाना है। बैठना तेरा अपने बाप की परचून की दुकान पे ही है और मैंने तो नूबी ना पता पीरियड कौन सा है जल्दी चल ले। तुम तीनों कहाँ थे आज? सर आप ही क्लास में तो थे। दिखाई तो नहीं दी तुम क्लास में पर सर हमें तो आप दिखाई दे रहे थे। और सर आज आपने जो पढ़ाया माँ कसम मैं तो दुआ कर रहा था कि आपका पीरियड कभी खत्म ही ना हो। ओवर एक्टिंग मत कर फंस जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया करूँ? केमिस्ट्री। मैं काला जादू पढ़ाया करूँ और कल तक क्लास में टाइम पर आना है लेट हो गए तब खाल तार लूंगा। चल नगीनी कैसे बावलों की तरह हंसा जा रहा भाई? अरे भाई वीमेट ऐप पे वीडियो देख रहा हूँ। वीमेट का चीज है भाई इतनी सेक्सी ऐप है ना इसके अंदर तू कॉमेडी और प्रैंक वीडियोस देख लेगा ना माँ कसम हंस हंस के पागल हो जाएगा। इतने टैलेंटेड लोग बैठे हैं इस दुनिया के अंदर कॉमेडियन से लेकर स्टंटमैन फैशन से लेकर फार्मर लाखों लोग अपनी वीडियोस बना रहे हैं इसके अंदर और इसके अंदर इतने सेक्सी इफेक्ट्स और स्टिकर्स है ना तो अपनी वीडियो में डालेगा ना गजब की वीडियो बन जाएगी। ये देख तुझे एक वीडियो दिखाता हूँ। भाई ये तो बड़ी सही चीज है तूने मेरे से पहले क्यों ना बताई। अभी डाउनलोड करता हूँ कर ओए पपलू छोरी लेके कैसे बैठा है और देखियो कैसे मदहोश होकर पढ़ा रहा है क्या सीन है भाई। अबे भाई ये पढ़ाकू बच्चा है 200% तो इसकी अटेंडेंस है तो ये लड़की इसके साथ नहीं बैठेगी तो हमारे साथ बैठेगी क्या? अरे हमारे साथ भी बैठेगी तू देखता जा। अरे मेरे भाई तू यहाँ बैठा है वहाँ वाइस प्रिंसिपल मैम तेरे को याद कर रही है। वाइस प्रिंसिपल पर अपने स्कूल में तो कोई वाइस प्रिंसिपल ही नहीं है आज ही तो बनी है और अपने साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 की ट्रॉफी लेकर डोल रही है क्या पता तेरे को ही दे दे जल्दी भग के जा। पर यार मेरे को इसको फिजिक्स पढ़ाना है तो भाई वो हम पढ़ा देंगे ना और वैसे भी इसने फिजिक्स बहुत पढ़ ली बायोलॉजी की बारी है वो हम पढ़ा देंगे जल्दी से ना किसी और को दे देगी हम अपना आप देख लेंगे। हाँ तो बेबी चैप्टर 8 से शुरू करें। पनीर में थोड़ा नमक कम है और तेरे अंदर दिमाग। मेरी क्लास में कोई खाना खाता मिल गया ना तो खाने की गैल उसमें भी खा जाऊंगा समझ आ गई है? बेबी सारे बच्चे बाहर गेम्स पीरियड में खेल रहे हैं और हम यहाँ अकेले बैठे हैं, कोई टीचर वीचर तो नहीं आ जाएगा ना? बेबी तुम कितना ज्यादा सोचती हो यार, तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ कौन बैठा है? कौन बैठा है? मैं बैठा हूँ और कौन बैठेगा? और वैसे पूरे स्कूल में चले है मेरी। बालक तो बालक, टीचर भी सलाम ठोका है। तू समझ ले एक तरीके से दादा हूँ स्कूल का। छोटे छोटे बच्चे तो कदे कदे मेरे बाबा राम राम भी कह दे। मैं और तू रुक, मैं अभी गेट बंद करके आया। चल देखते हैं वीमेट पे किस किसने वीडियो डाली है। ओए नेहा ने वीडियो डाली है, देख क्या डाला है। ओए नीचे को बैठ। बच्चों प्रिंसिपल सर राउंड पे एक एक क्लास की चेकिंग हो रही है और जिस बच्चे के पास फोन मिल रहा है ना उनके घर पे फोन किया जा रहा है। अरे सर फिर इसका इलाज तो बताओ। अरे इलाज तुम्हारे सामने तो खड़ा है। अरे मैं कोई टीचर थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम सब अपने फोन मेरे पास जमा करवा दो और प्रिंसिपल क्या उसका बाप भी नहीं ढूंढ सकता। लाओ 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 जल्दी करो। जो बच्चा फोन लेके आया है चुपचाप यहां जमा करवा दो, ना तो मैं मेरी वाली पे आ गया तो कच्चे उतरवा के चेक करूंगा। सर हमारे पास नहीं कोई फोन, बेशक चेक कर लो, हम सर ही बालक हैं। सर ये सही कह रहे हैं, इनके पास नहीं है कोई फोन। क्योंकि वो सारे फोन पहले ही निकाल लिए थे। नौकरी के टाइम पे बोला था ना आपका पालतू कुत्ता बन के रहूंगा, और आज साबित भी कर दिया। चल बेटा अपने पापा के पास फोन मिला के दे। सर पापा को तो 10 लग रहे हैं। 10 लग रहे हैं तो क्या फोन ना उठाओगे? नहीं, वो फोन बाहर होगा ना और पापा लेटरिंग में होंगे, तो आप ही बताओ कैसे उठाएंगे। ड्रामा खत्म हो गया तो एक बार फोन मिला ले। चलो फोन मिला के दो। हाँ जी, आप कीर्ति के पापा बात कर रहे हैं? कैसे सर, आपके फोन में बैलेंस खत्म हो गया जो आप कीर्ति के फोन से बात कर रहे हो। नहीं, यही तो कंप्लेन है कि आपकी बेटी स्कूल में फोन लेके आती है। अब आप ही बताओ इसका क्या करें। ओ सॉरी सर, आप ही की बच्ची है, इस बार माफ कर दो, अगली बार इसे ऐसा नहीं होगा। अपना प्रिंसिपल भी कितना बेवकूफ आदमी है, सारा आवाज भी ना पहचान पाया। मुझे बहुत अच्छे से पता है किसकी हरकत है। आप आइए मेरे साथ। आइए सर, आइए आइए। ओए खड़ा हो, खड़ा हो। मैंने क्या कर दिया मैडम? इस स्कूल को तूने अपने बाप की प्रॉपर्टी समझा हुआ है, जो जब मन में आया कर दिया। सुबह तू ही मेरी स्कूटी की हवा निकाल रहा था ना, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये बम तू नहीं फोड़ा है। सर इस लड़के के खिलाफ हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ इसका एडमिशन ही कैंसिल कर देना चाहिए। ये हमारे स्कूल में रहने के लायक ही नहीं है। बेटा तेरा मैं वो हाल करूंगी ना कि किसी दूसरे स्कूल में तुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर फोड़ियो तू बॉम्ब। मैम मैंने फोड़ा बॉम्ब, मुझे निकालो स्कूल से बाहर। नहीं मैम मैंने फोड़ा है बम, मुझे भी निकालो। नहीं मैम मैंने फोड़ा है बम, स्कूल से निकालना मुझे निकालो। सुखों में दुखों में तुम चाहे छा तेरे नाल खड़ांगे। मैं ना जो नहीं जो वादा कर छोरे हैप्पी बर्थडे टॉफी तो खुआ दे। इसे क्या हो गया? अरे इसे क्या हो गया भाई? वो सी सेक्शन वाला दीपक है ना, वो सुबह इसको छेड़ रहा था और इसका उल्टी सीधी बातें भी करके गया और बोलकर गया कि अगर किसी ने मैम को बताया ना तो उसको घर से उठवा लूंगा। और मैंने सुना उसके पापा के ना गुंडे बदमाश और बैड पीपल के साथ कॉन्टैक्ट है। ये तो 9वीं क्लास है। इज्जत सबके होए कर है, चाहे छोरा हो या छोरी। तेरे घर में भी माँ बहन होएगी, कम से कम उनका ही लिहाज कर लेता। आज के बाद कीर्ति तय, कीर्ति छोड़ स्कूल की किसी भी छोरी तक कुछ कह दी या उनकी तरफ से शिकायत आ गई तो तेरी ऐसी हालत कर दूंगा, छोरी की साइड आंख उठाने लायक ना बचेगा। भाई तेरे को पता है इसका बाप कौन है? इसका पापा कोई भी हो, तने पता ना है कि फूफा बदमाश है। एक एक की ऐसी तैसी कर दूंगा। हम तो बड़ा बदमाश है यहाँ कोई। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करना। लाइक जरूर करना क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताना कि आप लोगों ने स्कूल में क्या क्या करा है। और यार जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ताकि आपको और वीडियोस मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और यार VMate ऐप डाउनलोड करो, ये बहुत ही सही ऐप है वीडियो शूट करने के लिए। आप अपनी वीडियो के अंदर इसके एडिटिंग इफेक्ट्स और स्टिकर्स यूज करोगे तो आपकी वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। इसमें हर टाइप की वीडियो है तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी देख सकते हो। मतलब जैसे आपको स्टंट देखना पसंद है तो इसमें स्टंट की वीडियोस आ जाएगी। और यार इसका एक नया फीचर आया नियर बाय का, जिसमें आप देख सकते हो कि आपके आसपास लोग क्या वीडियोस बना रहे हैं। तो अभी डाउनलोड करो VMate ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।